हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मजे होंगे और इन स्कैमर से बच रहे होंगे। वैसे इनके कमेंट्स आने काफ़ी कम हो चुके हैं मेरे चैनल पर, क्योंकि मैं शुरू में ही इनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। और अगर आप लोगों को इस तरह के कमेंट्स आते हैं, रिप्लाईज आते हैं, तो प्लीज़ इनको इग्नोर करना, ये स्कैमर्स हैं और इनको पैसे मत देना। बाकी आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉइस की बहुत ही अमेजिंग स्मार्ट वॉच के बारे में, जिसका नाम है नॉइस कैलिबर 2। और आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले नॉइस की कैलिबर वॉच आई थी, जो कि काफ़ी हिट वॉच थी, तो ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस साल के एंड तक हम लोगों को 50,000 सब्सक्राइबर की फैमिली पूरी करनी है, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी आप लोगों को कराना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको इस तरह का बॉक्स मिल जाता है, जहाँ पर नॉइस की ब्रांडिंग है और इस तरह की आपको डिजाइन मिलने वाली है। बाकी बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर काफी सारे फीचर्स मेंशन के हुए मिल जाते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्यूआर कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करके आप नॉइस फिट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है और नॉइस के स्टिकर्स मिल जाते हैं और कुछ इस तरह से वॉच रखी हुई मिल जाती है। उसके बाद अंदर साइड में आपको केबल मिलती है, जिससे आप वॉच को चार्ज कर सकते हैं और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद लास्ट में आपको यूज़र मैनुअल मिल जाता है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सारी चीज़ें आपको बॉक्स में मिल जाती हैं। बाकी अब आते हैं वॉच की तरफ, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की आपको वॉच मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। अब इसको ऑन करते हैं और फ़ोन से पेयर करते हैं। तो यहाँ पर बटन को प्रेस करके होल्ड करना है और यहाँ पर एक क्यूआर कोड आ जाएगा और मैंने अपने फ़ोन में नॉइस फिट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। अब इसको पेयर करते हैं और पेयर करना काफ़ी इजी है। आपको जाना है ऐड ए न्यू डिवाइस पे और यहाँ पर देख सकते हैं वॉच आ गई है, बस इस पर टैप कर देना है। उसके बाद वॉच पर नोटिफिकेशन आएगी, उसको ओके कर देना है और आसानी से वॉच पेयर हो जाएगी। तो पेयरिंग प्रोसेस काफ़ी ईजी है और आराम से कर सकते हैं। रही बात कनेक्टिविटी की, तो इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन भी काफ़ी मस्त है। आप जो जो एक्टिविटी करेंगे उसके रिकॉर्ड्स को यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद वॉच को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, हेल्थ मॉनिटरिंग को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे फीचर्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाते हैं। तो एप्लीकेशन काफ़ी मस्त है इसकी। तो ये रही वॉच। और सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के बॉक्सी डिज़ाइन देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसमें आपको जो साइड्स मिलते हैं बिल्कुल फ्लैट मिलते हैं, जैसा कि आपको आईफोन में देखने को मिल जाते हैं। तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है और इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा नहीं है, तो ये सभी रिस्ट पे अच्छी लगने वाली है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड मिल जाती है, बट फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है और इसमें आपको मैट फिनिश मिल जाती है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पर आपको डिसेंट मिल जाती है। रही बात स्ट्रैप की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का 22mm का स्ट्रैप मिल जाता है और इसकी क्वालिटी काफ़ी मस्त लगी मुझे। बाकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है और अगर आप देर तक भी पहनते हैं तो आपको कोई भी इरिटेशन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस वॉच की और इसमें आपको IP68 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो 1.5 मीटर गहरी पानी में इस वॉच को यूज़ कर सकते हैं। बाकी वॉच काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट है और अगर आप देर तक भी पहनते हैं तो आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। आते हैं डिस्प्ले पे, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी 1.83 इंचेस की TFT डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको 240x284 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन मिल जाता है। तो डिस्प्ले शार्प है और कलर्स काफ़ी अच्छे आते हैं। बाकी ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, तो डिस्प्ले सुपर ब्राइट है और आउटडोर में आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। बाकी डिस्प्ले के बेजल की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी मोटे मोटे बेजल देखने को मिल जाते हैं और आप लोगों को पता है कि बजट वॉचेस में आपको इतने बेजल मिलते हैं, तो यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी आपको डिसेंट मिल जाती है। और इसका जो रेस्ट वे वो काफ़ी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है, जैसे फैन को ट्विस्ट करेंगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगी, वापस लेकर जाएंगे डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी, तो ये काफ़ी सही से वर्क करता है। बाकी रही बात वॉचफेस की, तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन 6 वॉचफेस वॉच में मिल जाते हैं, जो कि सही है। और इसमें आपको कस्टम वॉचफेस का फीचर भी दिया गया है और देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पर आपको 150+ वॉचफेसेस का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो यहाँ पर वॉचफेस के बारे में आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। अब बात करते हैं इस वॉच के फीचर्स की, तो चलते हैं इसके मेन्यू में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नॉइस हेल्थ का फीचर मिलता है, जिसमें आप जाएंगे तो आपको एक्टिविटी, उसके बाद स्लीप ट्रैकिंग, SPO2, हार्ट रेट और यहाँ पर स्ट्रेस मॉनिटरिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का फीचर भी दिया गया है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर आपको वॉच में सभी सेंसर्स मिल जाते हैं, तो एक्यूरेसी काफ़ी मस्त आने वाली है, जिसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद चलते हैं क्लॉक में, तो यहाँ पर आपको अलार्म का फीचर मिल जाता है, बट वॉच से आप अलार्म को सेट नहीं कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर स्टॉप वॉच और वर्ल्ड क्लॉक का फीचर दिया गया है और यहाँ पर आपको टाइमर भी मिल जाता है। उसके बाद वर्कआउट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 60 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, जिसमें आपको वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, योगा काफ़ी सारे मोड्स दिए गए हैं और इस वॉच में आपको कनेक्टेड GPS का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद चलते हैं, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स रिकॉर्ड्स यहाँ से देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने आउटडोर रनिंग की है, तो यहाँ से आप रिकॉर्ड्स वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको वेदर फोरकास्ट मिल जाता है और 7 दिन का वेदर आप इसमें देख सकते हैं, बाकी काफ़ी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल का फीचर दिया गया है और यहाँ पर वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर आपको रिमाइंडर्स का फीचर भी दिया गया है, जो कि आप एप्लीकेशन से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्लैश लाइट और वॉच फेस यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और इसमें आपको कैलकुलेटर भी मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। और ये फीचर बहुत लोगों का फेवरेट फीचर है, तो इस वॉच में आप आराम से गुणा गणित कर सकते हैं और इसका कैलकुलेटर काफ़ी अच्छे से वर्क करता है।
उसके बाद लास्ट में सेटिंग्स मिल जाती है, इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके बाद वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को आप घटा बढ़ा सकते हैं और इसके वाइब्रेशन की क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है। उसके बाद यहाँ से रिस्ट अवेक को ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसका जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो है 30 सेकंड्स का, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर डिवाइस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसके बाद DND, QR कोड, रिबूट, पावर ऑफ और रिसेट का ऑप्शन दिया गया है। तो यही सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। बाकी बात करें एक्यूरेसी की तो यहाँ पर इस वॉच की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी निकल कर आई। सबसे पहले इसके पेडोमीटर की बात करें तो अगर आप 100 स्टेप्स लेते हैं तो ये 90-95 काउंट कर लेती है और इसमें आपको कनेक्टेड GPS का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो ये आपके फोन के GPS को यूज़ करके लोकेशन ट्रैक कर लेती है। तो स्टेप काउंटर की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है और हार्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर हार्ट रेट भी आपको काफ़ी एक्यूरेट और कंसिस्टेंट मिलता है। मैंने इसको ऑक्सीमीटर से कंपेयर किया तो देख सकते हैं जो रीडिंग आ रही थी बिल्कुल मैच कर रही थी। SP2 की बात करें तो यहाँ पर आपको अलग से रेड लाइट सेंसर भी दिया गया है और इसकी भी रीडिंग काफ़ी हद तक एक्यूरेट आती है, बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप SP2 के लिए वॉच पर भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग का फीचर भी मिल जाता है, जो कि पता नहीं एक्यूरेट होता है या नहीं क्योंकि मेरा हमेशा नॉर्मल ही आता है। और स्लीप ट्रैकिंग की बात करें तो यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है और इसमें आपको डीप स्लीप, लाइट स्लीप, अवेक टाइम, REM सब कुछ शो हो जाता है, तो स्लीप की एक्यूरेसी भी आपको काफ़ी तगड़ी इसमें मिल जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर एक्यूरेसी मस्त है इस वॉच की, और जिन लोगों को फिटनेस के लिए एक एक्यूरेट वॉच लेना है तो वो लोग इस वॉच की तरफ देख सकते हैं। इसमें आपको कॉल की और मैसेज की नोटिफिकेशन मिल जाती है, कॉल को आप कट कर सकते हैं और इसमें आपको क्विक रिप्लाई का फीचर भी मिल जाता है अगर आप इसको एंड्रॉइड फोन के साथ यूज़ करेंगे। अगर आप आईफोन के साथ यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको क्विक रिप्लाई का फीचर नहीं मिलता है। बाकी मैसेज की बात करें तो मैसेज को आप पढ़ सकते हैं, रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, और अगर कोई SMS करता है तो वहाँ पर आप क्विक रिप्लाई दे सकते हैं इसमें, और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं एप्लीकेशन में जाकर। बाकी इसमें आपको हिंदी का सपोर्ट नहीं मिलता है। रही बात UI की तो यहाँ पर आपको काफ़ी फास्ट UI देखने को मिल जाता है और लैग नहीं करता है। सबसे पहले ऊपर से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है, उसके बाद नीचे से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर मिल जाता है जहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक कंट्रोल हो गया, उसके बाद ब्रीथ हो गया, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, हार्ट रेट, एक्टिविटी। और राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो भी आपको वही फीचर्स मिलते हैं, लूप में दिया गया है। बाकी डिस्प्ले पर टैप करके होल्ड करेंगे तो यहाँ से वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं, और बटन को प्रेस करेंगे तो आप मेन मेन्यू में चले जाएंगे जहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह का UI दिया गया है जो कि अच्छा है। अब लास्ट में आते हैं इस वॉच की बैटरी बैकअप पे, तो यहाँ पर इस वॉच ने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया और कंपनी क्लेम करती है 12 दिन का बैटरी बैकअप, बट मैंने इसको यूज़ किया है और आपको आराम से 5 से 6 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब आते हैं वॉटर की, क्या इसको लेना चाहिए या नहीं। तो इसका जो प्राइस है वो है 1999 रुपये, जो कि इंट्रोडक्टरी प्राइस है, और बाद में इसका प्राइस हो जाएगा 2499 रुपये। तो अभी 2000 के हिसाब से देखा जाए तो भाई काफ़ी शानदार वॉच है, खास करके यहाँ पर आपको जो एक्यूरेसी मिलती है काफ़ी तगड़ी मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है और लुक वाइज वॉच काफ़ी मस्त लगती है। बाकी इसमें फीचर्स भी आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं और डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है। कमी की बात करें तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले में बेजल मिलते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलते हैं, और यही इसमें कमी है। बाकी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी वॉच है, और जिन लोगों को एक फिटनेस के लिए अच्छी एक्यूरेट वॉच लेना है इसके लिए जा सकते हैं। अगर आप लोगों को लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ले सकते हैं, और ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। और इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि मिडनाइट ब्लू हो गया, उसके बाद जेट ब्लैक, विंटेज ब्राउन, पैन ग्रीन, और एक काफ़ी यूनिक कलर है जो कि है लाइट लेवेंडर, और देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बाकी ऐसा नहीं कि ये लेडीज़ के लिए, इसको जेंट्स भी पहन सकते हैं। तो ये कलर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, और आप लोगों को कौन सा कलर पसंद आया प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। बाकी वीडियो यहाँ पर एंड हो जाती है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।